इंडियन प्रीमियर लीग में कई बड़े रिकॉर्ड बनते और टूटते हैं। आईपीएल 2023 में भी कई सारे रिकॉर्ड बने हैं और टूटे भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अनचाहे और शर्मनाक रिकॉर्ड भी बनते हैं। ऐसे ही अनचाहे रिकॉर्ड को आरसीबी के दिनेश कार्तिक ने आईपीएल इतिहास में अपने नाम कर लिया है। वहीं यही रिकॉर्ड आईपीएल 2023 में जोस बटलर के नाम है। वहीं यह शर्मनाक रिकॉर्ड पहले हिटमैन यानी रोहित शर्मा के नाम था। दरअसल हम गोल्डन डक आउट की बात कर रहे हैं, यानी शून्य पर आउट, यानी शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज। आईपीएल इतिहास में दिनेश कार्तिक सबसे ज्यादा 17 बार शून्य पर आउट हुए हैं, जो एक अनचाहा रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो गया है। हालांकि ये पहले रोहित शर्मा के नाम दर्ज था। दिनेश कार्तिक का बल्ला आईपीएल के 15 सीजन में खूब चला था, लेकिन इस सीजन काफी शांत है। प्लेऑफ के लड़ाई लड़ने वाले मैच में दिनेश कार्तिक गुजरात टाइटंस के खिलाफ गोल्डन डक आउट हुए। इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक 17 बार जीरो पर आउट होने का अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। रोहित शर्मा इस मामले में 16 बार गोल्डन डक का शिकार हुए हैं। वहीं मनदीप सिंह और सुनील नरेन भी 15 बार शून्य पर आउट हुए हैं। आईपीएल 2023 में दिनेश कार्तिक ने आरसीबी के लिए 13 मैचों में 140 रन बनाए हैं। वहीं इस सीजन में वह 4 बार गोल्डन डक आउट हुए हैं। हालांकि इस सीजन यानी आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा गोल्डन डक आउट का रिकॉर्ड राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर के नाम दर्ज है, जो 5 बार शून्य पर आउट हुए हैं। जोस बटलर ने 14 मैचों में 392 रन बनाए हैं। पिछले सीजन में जोस ऑरेंज कैप विजेता थे। आपको बता दें, दिनेश कार्तिक को बेंगलुरु की टीम ने साल 2022 के ऑक्शन में 5.50 करोड़ में खरीदा था। 2022 के सीजन में 16 मैच में 330 रन बनाए थे। वहीं 188.33 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। इसी प्रदर्शन की वजह से कार्तिक को साल 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जगह मिली थी। हालांकि टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर पाए थे।